जानिए 2019 में कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टर। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग एक्टर इसलिए क्योंकि भोजपुरी में तो हर तरह से देखा जाता है कि एक्टर की कितनी पहुंच है और कितना उसे तवज्जो दिया जा रहा है। तो भाई, इस बार चुनावी मुद्दा भी था और ये पता करने के लिए कि भोजपुरी में किस एक्टर को सबसे ज़्यादा चुनावों में तवज्जो दी गई, इसके आधार पर हमने एक सर्वे करवाया, जिससे पता चला कि इस पूरे सर्वे में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उभर कर आए हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, उसके बाद पवन सिंह और फिर रवि किशन। जी हाँ, खेसारी लाल यादव ने बड़ा तेज चौंकाया है सभी को, क्योंकि वो चौथे पायदान पे है और पांचवें पायदान पे मनोज तिवारी है। वैसे खैर, भोजपुरी इंडस्ट्री से मनोज तिवारी का काफ़ी गहरा लगाव है, इसलिए इस लिस्ट में अगर उन्हें शामिल नहीं किया जाता तो भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ बेईमानी होती। जिस तरह से बीजेपी ने आजमगढ़ का टिकट देकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का एक मजबूत दावेदार बनाकर दिनेश लाल यादव निरहुआ को उभारा था, उससे देखकर यही लगता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ अब भोजपुरी में सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टर के लिस्ट में सबसे ऊपर है। वैसे हमेशा इस लिस्ट में भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव का पायदान तीसरा आता था, क्योंकि दूसरे और पहले पर खेसारी और पवन सिंह का दबदबा रहता था। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव का टिकट लेकर जितनी सुर्खियां निरहुआ ने बटोरी, शायद ही इन 2 सालों में निरहुआ ने बटोरी होगी। निरहुआ की फिल्में भी इतनी सुर्खियां नहीं बटोर सकी जितना उन्होंने आजमगढ़ में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़कर बटोरी है। और अब दूसरे पायदान पर पवन सिंह। अब आप ये कहेंगे, पवन सिंह तो लोकसभा चुनाव लड़ नहीं रहे हैं तो वो दूसरे पायदान पे क्यों? भले ही पवन सिंह बीजेपी के सीट से कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके जैसा स्टार प्रचारक दिल्ली से लेकर बिहार और बिहार से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक कोई नहीं है। जिस तरह बीजेपी ने पवन सिंह की पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल इस लोकसभा चुनाव में किया है, उसे देखकर ये लगता है शायद पवन सिंह को भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि वो इतने पॉपुलर हैं। और अब बात करते हैं रवि किशन की। जी हाँ, रवि किशन कभी किसी बेस्ट एक्टर की लिस्ट में सामने नहीं आए भोजपुरी इंडस्ट्री में, ना ही कभी उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी की, ना ही कभी वो दर्शकों के बीच इतने लोकप्रिय हुए कि उन्हें लेकर कोई लिस्ट तैयार की जाए। लेकिन इस बार कमाल कर दिया, जिस तरह से लोकसभा का टिकट उन्हें दिया गया है, रवि किशन तो इतनी सुर्खियाँ कभी नहीं बटोरी जो अब बटोर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर दिनेश और पवन के साथ रवि किशन छाए हुए हैं। जी हाँ, रवि किशन गोरखपुर से चुनाव क्या लड़ रहे हैं, लगातार उन पर मीडिया फोकस किए हुए हैं। अब तक रवि किशन के इतने बड़े करियर में इतना फोकस उन्हें मीडिया का कभी नहीं मिला, तो इसलिए वो तीसरे पायदान पर। अब चौथे पायदान पर खेसारी लाल यादव, इसलिए क्योंकि खेसारी लाल यादव ने तो सबको चौंका दिया। मनोज तिवारी के कहने पर सिर्फ दिल्ली में प्रचार प्रसार किया, और वो भी प्रचार प्रसार ऐसा कि उसमें लालू प्रसाद यादव के घर की पूरी पोल पट्टी खोल दी। किस तरह से लालू प्रसाद यादव के वो करीब हैं और उनके बच्चों से वो काफ़ी दूर, उनके बच्चों के बिहेवियर से, यानी कि तेज प्रताप यादव और यशस्वी यादव के बिहेवियर से वो कितने नाराज हैं, इसकी पोल उन्होंने मीडिया में खोल कर रख दी। बस इसी को लेकर खेसारी लाल यादव जो 1 और 2 दिन मीडिया में सुर्खियां बटोरी, सिर्फ वही बटोरी, उसके बाद खेसारी लाल यादव कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए। अब बात करते हैं मनोज तिवारी की। जी, अगर ये मनोज तिवारी की बात न की जाए तो ये पूरा चैप्टर अधूरा होगा। मनोज तिवारी ही तो इकलौते एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सारे भोजपुरी इंडस्ट्री को भाजपा के छत्र छाए तले रख दिया। जी हाँ, आज भोजपुरी का हर बड़ा से बड़ा और छोटे से छोटा सितारा भाजपा के नाम की माला जप रहा है, मोदी को फिर से लाने की बात कर रहा है, तो इसका पूरा श्रेय जाता है मनोज तिवारी को। इसलिए मनोज तिवारी इस पायदान पे 5वें स्थान पर है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।